तो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर। रिसेंटली जो मार्केट में डंप हुआ है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, साथ में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पर, जिसके बेस पर आपको पता चलेगा कि क्यों अभी भी मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि मार्केट और ज्यादा हायर जा सकता है। तो भाई वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखो। डिटेल में इंडेक्स एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बहुत बारीकी से इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। बिल्कुल न्यू हो अगर चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। रहे यार लाइक्स नहीं दिखा रहे तो भाई वीडियो पर लाइक करके शेयर करना ना भूलो। अभी बैक टू टॉपिक करते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की, क्योंकि अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की तो भाई बिटकॉइन लास्ट वीडियो के हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा और बट उसके पहले ही मार्केट यहां से सीधा डाउन में रिवर्सल होकर डंप लिया। क्यों डंप हुआ है? क्योंकि चाइना की ओर से फट हुआ था, चाइना की ओर से न्यूज स्प्रेड हुआ था कि भैया वो फिर से बिटकॉइन को बैन कर रहे, मतलब फिर से बैन कर रहे। मुझे समझ में नहीं आता है जब से बिटकॉइन इन्वेंट हुआ है उसके बाद से लेकर कितने दफा चाइना बिटकॉइन को बैन करेंगे। तो भैया जब एक बार आपने बैन कर चुका है, 2013 से इसको बैन कर रही है और पता नहीं आगे कितनी बार करती रहेंगी। तो भाई इस बैड न्यूज को मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह देखता हूँ, क्योंकि चाइना में सिर्फ बिटकॉइन बैन नहीं है, चाइना में फेसबुक बैन है, यूट्यूब बैन है, गूगल बैन है, क्यों बैन है पता नहीं, लेकिन वो चीज़ बैन है। लेकिन आज दुनिया भर में वो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं इसी तरह बिटकॉइन का जो बैनिंग का न्यूज़ आ रहा है चाइना की ओर से, जिसकी वजह से फट मिला है, एक तरीके से मैं इसको ये भी समझता हूँ कि शायद चाइना कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा बिटकॉइन को ग्रैब कर सके। मे बी ये एक मेरा पर्सनल थिंकिंग है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गोल्ड के अंदर कई दफ़ा जब भी गोल्ड को डाउन में ब्रेक मिलता है तो चाइना सबसे ज़्यादा गोल्ड को परचेज करती है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद उसको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन एज अ रिजर्व करेंसी यूज हो सकता है फ्यूचर के अंदर, तो शायद उसका वो फ़ायदा उठा रही है अभी से बार बार न्यूज़ को पोस्ट करके और डीप में बाय करके। खैर अभी मेनली यहाँ पर बात कर रही, तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भाई यहाँ पर मार्केट में क्रैश तो हुआ है लेकिन स्टिल मार्केट अपने रेंज में है। क्यों रेंज में है? अगर आप यहाँ पर आ जाते हो और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो तो मार्केट कोशिश कर रहा है कि ये जो लोअर सपोर्ट लेवल था वीक का, मार्केट इसके अबव जाके क्लोज कर सके। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी एक दिन 15 घंटा बाकी है कैंडल क्लोजिंग को। अगर ये कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के अबव होती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चांसेस आपका बढ़ जाता है मार्केट रिवर्सल का। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास आकर रिवर्सल हो रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर कनेक्शन दूँ तो शायद ऑलमोस्ट वो टेस्ट हो चुका है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडियाज पे मिल जाएगा कि यस मार्केट बिल्कुल एक वन, जैसे कि आप पैटर्न आपको पता ही है ना, ए बी और सी पैटर्न, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम कि मे बी यहाँ पर ये पैटर्न का मूव हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि हर साइकिल के अंदर टॉप बनता है, वैसे उसी की तरह क्रिप्टो के साइकिल में भी टॉप बनता है और क्रिप्टो का साइकिल का जो टॉप है वो दिसंबर तक बन सकता है, राइट है? तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये मंथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले 3 मंथ्स रहेंगे क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद देखने को मिल सकता है। तो ये एक मेरे को पॉजिटिव चीज अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा और एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव चीज, जो कि मुझे लगता है आपको बिल्कुल एक क्लासिकल आइडिया देंगी कि भैया फिल वक्त में आप सेल कर रहे हो लेकिन बड़े प्लेयर उसको परचेज कर रहे हैं, बड़े प्लेयर उसको बाय कर रहे हैं। सेकेंड चीज, यहाँ पर अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो भाई बिटकॉइन डोमिनेंस जैसा एक्सपेक्ट किया गया था डेली टाइम फ्रेम के अंदर, मार्केट उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवमेंट ले रहा है। लास्ट टाइम का हमारा पैटर्न फॉर्मेशन था, पैटर्न ब्रेकआउट था, मार्केट ने टेस्ट किया, ब्रेकआउट किया। जो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन चार्ट पर आपको लेके जाता हूँ ताकि आपको क्लियर थोड़ा आइडिया मिल जाए, ठीक है? यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया और कोशिश कर रहा है अपसाइड में जाने के लिए। तो बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है यहाँ पर, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं दिख रहा। एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि अब बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ से राइज अप करेगा और एटलीस्ट यहाँ पर जाएगा 44% पर, क्योंकि मार्केट लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ, अगर लास्ट टाइम की बात करो तो हम यहाँ पर कही थे राइट 42 पर, पुल बैक का एक्सपेक्टेशन था, मार्केट ने पुल बैक भी किया। अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का पुल बैक हो चुका है, मे बी मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकता है। अभी तक तो क्लियर कंफर्मेशन कोई वॉल्यूम के साथ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि यस मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट ले सकता है। लेकिन अगर आप ऑन चेन डेटा एनालिस्ट करोगे तो यहाँ पर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि हमने टेलीग्राम में पोस्ट किया था। क्या था? क्या BTC ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट बिग मनी मूविंग इन द स्पेस।
यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर स्टिल जो बिग मनी है, बिग मनी मेनली यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो वो लगातार मार्केट में इन हो रहे, कोशिश कर रहे हैं परचेज करने के लिए। यहाँ पर आपको और क्या मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशनल सीज कैपिटल 1 मिलियन ट्रांजेक्शन सीज और रिप्रेजेंट अराउंड 82% ऑफ सेटल वॉल्यूम ओवर द पास वीक। और मेनली यहाँ पर 1 मिलियन ट्रांजेक्शन यहाँ पर सीज हुआ है, जो कि काफी बड़ी बात है। और यहाँ पर मेन चीज क्या है, नॉट द ग्रोथ इन इंस्टीट्यूशन सीज कैपिटल रियली किक ऑफ सिंस अक्टूबर। मेनली बात यहाँ पर ये हो रही है कि अक्टूबर के मंथ यानी जो अक्टूबर 2020 था, तब से धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा था। अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत गौर करेंगे ना, ये जो सबसे नीचे वाला आपको लाइन देखने को मिल रहा है, ये जो एरिया है ये बिल्कुल इंस्टीट्यूशन ग्रोथ वाला एरिया है, इंस्टीट्यूशन का जो ग्राफ है उसके इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। और आप देखो लगभग यहाँ पे ठीक है 2019-20 का यहाँ पर था, बिल्कुल आप यहाँ पर वॉल्यूम देखो बिल्कुल नहीं के बराबर था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही अक्टूबर 20 था यहाँ से धीरे धीरे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें सितंबर जून जुलाई से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अक्टूबर के बाद से वॉल्यूम ने अच्छा खासा रैली किया, फिर मार्केट ने करेक्शन किया और उसके बाद मार्केट अभी फिर से एक हायर रैली कर रहा है। करंट वैल्यू आप यहाँ पर देखो अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो भाई यहाँ पर ट्रांजेक्शन सीज हुआ कितना हुआ, 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखने को मिला है, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। 15% यहाँ पर आपका वैल्यू शो कर रहा है, तो ये एक बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव न्यूज समझ रहा हूँ, क्योंकि जहां पर मार्केट डीप ले रहा है, जहां पर मार्केट डंप हो रहा है, जहां पर मार्केट डाउन में जा रहा है, वहीं पर कोशिश की जा रही है कि भाई बिटकॉइन को परचेज कर सके, बिटकॉइन को बाय कर सके। क्योंकि ये जो चार्ट है ना, ये सितंबर का चार्ट है, ऑलमोस्ट 2021 का सितंबर मंथ का चार्ट है, और यहाँ पर आप देखो स्पाइक लगातार सितंबर के मंथ के अंदर भी अच्छी खासी हेल्दी स्पाइक देखने को मिल रही है। तो कोशिश यही हो रही है कि यहाँ पर हर डीप को इंस्टीट्यूशंस की ओर से परचेजिंग हो रही है। तो भाई ये ऑन चेन डेटा, ये जो मतलब जो भी इसके पीछे बंदे हैं ना जिन्होंने ये ग्राफ रेडी किया, ये कमाल है। क्योंकि ऑन चेन डेटा एनालिस्ट आने के बाद हमको एक्चुअल में रीजन समझ में मिलता है कि जब भी डीप हो रही है तो बिग मनी क्या कर रहा है, बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। अगर बिग प्लेयर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया बिटकॉइन का टॉप बन चुका है या बिटकॉइन यहाँ से गिरेगा, लेकिन बिटकॉइन जो बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशन है स्टिल वो परचेजिंग कर रहे हैं, जब भी मार्केट डीप कर रहे हैं वो वहां पर अपना बाइंग लिमिट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे आपको एक आइडिया ये मिल रहा होगा कि यस स्टिल वी आर इन द अप ट्रेंड, और अभी आने वाले 3 मंथ के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर काफी बेहतर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, स्पेशली अल्टकॉइंस के अंदर और बिटकॉइन की दोनों के अंदर हमको मिल जाएगा। जो लोगों ने अल्टकॉइंस मेरे रिकमेंडेशन के ऊपर आज से 3 महीना 6 महीना साल भर पहले बाय किया है, उनको इतना बोलना चाहूंगा अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं जब अपने कॉइन से एग्जिट करूंगा आपको टेलीग्राम में अपडेट जरूर करूंगा। सो गाइस उम्मीद करूं आपको वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है, फिलहाल में वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, क्योंकि एग्जिट के सारे टारगेट्स और मैं जब भी एग्जिट करूंगा तो मैं टेलीग्राम में कोशिश करूंगा पहला पोस्ट करूंगा, हो सकता है उसके 2-3 दिन के बाद वीडियो बने। तो अगर आप इंस्टेंट एग्जिट अपडेट चाहते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो स्पेस के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा बन सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।